श्री राम। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 का 79th मैच के बारे में, और ये जो मैच है आपको पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी योद्धा के बीच में खेला जाएंगे। और इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई, डिफेंस पे कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, ऑलराउंडर्स पे यहाँ पर वो दो ऑलराउंडर कौन आपको कंपलसरी टीम में रखना चाहिए, और राइडिंग डिपार्टमेंट में भाई यहाँ पर आपको राइडर्स तो पिक करना पड़ेगा भाई, लेकिन यहाँ पर सचिन तनवर, प्रदीप नरवर क्या सुरेंद्र गिल खेलेंगे, क्या सुधाकर एक अच्छा पिक रहेगा, मंजीत एक अच्छा पिक रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो पे देने वाला हूँ भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और बात है भाई, दोनों टीम की जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेले, कौन सा डिफेंस अच्छा, टैकल पॉइंट्स लाए थे भाई, ये सारा जानकारी आपको मैं दूंगा, पॉइंट टेबल पे कितना पोजीशन पे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड पहले बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इसके साथ साथ आप घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए भाई अभी आपको मैं प्लेयर्स को पिक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सुमित, कृष्ण डुल, नीतीश कुमार और यहाँ पर नीरज कुमार, ये जो चार प्लेयर है भाई काफी अच्छे पिक है। आशु सिंह पूरी तरह फ्लॉप हो रहे भाई, लास्ट सीजन काफी अच्छे खेले थे, लेकिन नया प्लेयर है भाई, तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भाई सुमित काफी बढ़िया पिक है, हर मैच में 3 से 4 डिफेंस टैकल पॉइंट ले रहे हैं। कृष्ण डुल आपको मेगा ग्रैंडली के लिए काफी अच्छा पिक है भाई, मेगा ग्रैंडली के लिए आप ये प्लेयर को ट्राई कर लीजिएगा। नीतीश कुमार, नीरज कुमार, तो यहाँ पर मैं नीरज कुमार को पिक करूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पर इनके कवर्स पे खेलते हैं और प्लेयर्स को अच्छी तरह पुश करते हैं भाई, तो आप इनको टीम पे रखिएगा, ये काफी बढ़िया पिक है। फिलहाल के लिए मैं दो डिफेंडर को पिक किया भाई यहाँ पर, उसका ऑलराउंडर्स पे देखा जाए तो गुरदीप, अंकित, विजय मल्लिक, नितेश पनवार और यहाँ पर डुल है भाई। तो ये 5 प्लेयर्स में एक प्लेयर, दो प्लेयर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंकित काफी बढ़िया पिक है भाई, अंकित को तो रखना ही पड़ेगा। विजय मल्लिक, गुरदीप और यहाँ पर एन पनवार, इन तीनों में से एक प्लेयर को, तो यहाँ पर मैं विजय मल्लिक के साथ जा रहा हूँ भाई, गुरदीप को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन गुरदीप आपको स्मॉल डी के लिए भी काफी बढ़िया पिक है भाई। अगर विजय मल्लिक को नहीं लेना तो यहाँ पर आप गुरदीप को कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अभी तक हमने पूरे 4 प्लेयर को पिक किया, अभी भी 3 प्लेयर को पिक किए, पिक करना, लेकिन यहाँ पर 3 प्लेयर में 1-2 बदलाव हो सकते हैं भाई। लेकिन इससे पहले भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर हम कबड्डी क्रिकेट सब कुछ कवर कर रहे हैं, काफी यूजर्स अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1700 यूजर्स हमारे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना, @shatrughan225, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका T20 लीग, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, वो भी कवर कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स T20 लीग स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल एनालिसिस के साथ साथ आपको कबड्डी और क्रिकेट की मजा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा रहेगा भाई। आज की जो मैचेस था भाई यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, नॉर्थर्न ब्रेव और कैंटरबरी किंग्स के बीच में हुआ था, ये भी मैच हमने कवर किया भाई, जिम्बाब्वे वुमेन, आयरलैंड वुमेन, ये भी मैच कवर किया, श्रीलंका जिम्बाब्वे, प्रिटोरिया कैपिटल्स वर्सेस डर्बन सुपर जेंट्स के बीच में 2 मैच है भाई, दोनों मैच हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेली काफी बड़ा बड़ा मैच हम लोग कवर कर रहे हैं, काफी जस्ट लॉस को रिकवर कर रहे हैं भाई, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। लेकिन इससे पहले भाई दोनों टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखना जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पटना पायरेट जो लास्ट मैच खेले भाई तमिल तरावस के खिलाफ बुरी तरह हार गए थे, और ये मैच में 17 रेड पॉइंट, 8 टैकल पॉइंट ना ऑल आउट एक बार कर पाए भाई यहाँ पर तमिल को, ना यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट मिले थे। तो तमिल तरावस यहाँ पर बैक टू बैक अच्छे खेल रहे हैं भाई, लास्ट 2-3 मैचेस से काफी अच्छा इंप्रूव हुआ। और उसके बाद अगर देखा जाए तो तमिल तरावस के लिए, सॉरी पटना पायरेट के लिए लास्ट मैच में सुधाकर ने काफी अच्छे खेले भाई, 8 राइट पॉइंट। तो ये जो मैच है भाई डुक्की किंग वर्सेस डुक्की प्रिंस के बीच में होगा, क्योंकि डुक्की किंग आपको प्रदीप नरवाल है भाई, डुक्की प्रिंस अगर देखा जाए तो आपको सुधाकर। तो डुक्की का जन्म पटना पायरेट्स में हुआ था भाई, तो पटना पायरेट्स यहाँ पर ये प्रदीप को पता है यहाँ पर इस टीम पे कौन सा डिफेंडर सब कुछ स्ट्रांग है, मैनेजमेंट पे उनको पता है, क्योंकि काफी सीजन पटना पायरेट्स के लिए खेले। लेकिन लास्ट मैच में भाई पटना पायरेट्स के खिलाफ प्रदीप नरवाल फ्लॉप थे, क्या ये मैच में कवर कर लेगा? तो मेरे हिसाब से हाँ भाई कर लेगा, क्यों आपको भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद भाई यहाँ पर आपको सुधाकर यहाँ पर एक अच्छा पिक है, अंकित जगलान ने लास्ट मैच में 4 टैकल पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट, 5 पॉइंट लिए, सचिन ने 4 राइट पॉइंट, मंजीत ने 3 राइट पॉइंट, बुरी तरह फ्लॉप है भाई, एक बोनस पॉइंट लिए थे, 4 पॉइंट है, और नीरज कुमार एक टैकल पॉइंट, एक बोनस पॉइंट, कुल मिला के 2 पॉइंट है, कृष्ण डुल ने एक ही टैकल पॉइंट ले पाए भाई, रोहित ने एक बोनस पॉइंट लिया था। तो लास्ट मैच की हीरोस अगर देखा जाए तो सुधाकर, अंकित ने काफी अच्छे खेले, लेकिन बाकी प्लेयर्स की सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी योद्धा बंगाल वॉरियर्स, यूपी योद्धा लास्ट मैच बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ
पांच पॉइंट से हार गए। इस मैच में 25 राइट पॉइंट लिए थे भाई यहाँ पर, और दो बार ऑल आउट किया, 4 पॉइंट मिला और टैकिंग 6 पॉइंट मिला। टैकिंग पूरी तरह फ्लॉप था भाई यहाँ पर, कुछ बढ़िया नहीं चले भाई यहाँ पर। तो आप इनको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, 6 टैकिंग पॉइंट लिए थे और दो बार ऑल आउट किया, 4 पॉइंट मिला था भाई यहाँ पर, और दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिला था। लेकिन ये मैच में क्या कमजोरियां थी भाई यहाँ पर, प्रदीप को कोई सपोर्ट नहीं दिया भाई। लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच में प्रदीप नरवाल ने पूरे 16 राइट पॉइंट लिए थे भाई, कमाल के राइट किए थे, 25 राइट लिए थे पूरे, लेकिन 16 राइट पॉइंट लिया था। गगन गौड़ा यहाँ पर लंबे कद का भाई, लेकिन यहाँ पर इनका ज्यादा पॉइंट्स मिलना चाहिए, लेकिन ये उस प्रकार नहीं खेल पा रहे। 4 राइट पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, 6 पॉइंट लिए। सुमित ने 4 टैकल पॉइंट भाई, विजय मल्लिक 3 राइट पॉइंट लिए और हितेश यहाँ पर 1 टैकल पॉइंट, नितेश कुमार 1 टैकल पॉइंट है। बाकी जितने भी प्लेयर्स है उनको ड्रॉप किया गया भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रदीप यहाँ पर एक अच्छा पिक है भाई, आप इनको टीम पे तो रखना ही पड़ेगा। और पॉइंट टेबल पे दोनों टीम कितना पोजीशन पे, तो यूपी योद्धा 13 में से 3 मैच जीते, 9 मैच हारे भाई और 1 मैच टाई हुआ। पॉइंट टेबल पे 11वां पोजीशन पे है भाई, और पटना पायरेट 13 में से 5 मैच जीते, 7 मैच हारे, 1 मैच टाई हुआ, और यहाँ पर पटना पायरेट 8वां पोजीशन पे। तो ये जो मैच है भाई 8वां पोजीशन पे 11वां पोजीशन के बीच में होगा, और ये मैच यूपी योद्धा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, करो या मरो की स्थिति है। अगर ये मैच हार जाते तो सोच लीजिए कि यहाँ पर ग्रुप से भी बाहर हो सकता है। इस टीम के पास अभी काफी मौका है, अभी भी कुछ मैचेस बचे भाई, अगर बैक टू बैक विन करते हैं तो पॉइंट टेबल पे यहाँ पर चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि प्रदीप इस टीम पे है और सुरेंद्र गिल आना बहुत जरूरत है भाई। इनकी यहाँ पर ना रहना यूपी योद्धा के लिए यहाँ पर इस प्रकार रह गई टीम, नहीं तो ये पॉइंट टेबल पे 11वां पोजीशन पे रहने वाली टीम नहीं है भाई, छठा पांचवा चौथा नंबर पे रहती जरूर। तो अभी आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, तो सचिन तनवर, प्रदीप नरवर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पिक है भाई यहाँ पर। उसके बाद सुरेंद्र गिल, सुधाकर, मंजीत, और यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स है, लेकिन मंजीत को टीम पे ले लीजिएगा। सुधाकर एक अच्छा पिक है, लेकिन इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ भाई यहाँ पर। तो एक बार टीम अच्छे से देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर आपको दो डिफेंडर यहाँ पर सुमित, नीरज कुमार है, उसके बाद अंकित, विजय मल्लिक और सचिन तनवर, प्रदीप नरवाल, मंजीत है भाई यहाँ पर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको स्मॉल लीग एक बेस्ट टीम के लिए बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर आपको नो डाउट यहाँ पर सचिन तनवर एक अच्छा पिक है कैप्टन के लिए। वाइस कैप्टन पे प्रदीप नरवाल को पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स है भाई, आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अंकित एक अच्छा पिक है भाई, मंजीत को आप ले सकते हो, उसके बाद सुमित एंड नीरज कुमार को आप यहाँ पर अपने टीम पे कैप्टन वाइस कैप्टन के रेस में रख सकते हो। लेकिन ये जो टीम है भाई, पहले इस टीम को आप सेव करके रख लेना, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद कबड्डी पे काफी टाइम बच जाते हैं, लेकिन आप टीम को सेव करके रखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा भाई। यहाँ पर लास्ट 5 से 10 मिनट पहले आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करूंगा, नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूंगा भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।